साहिब। और नमस्कार करता हूं साहिब। संभल के। अरे आइए ना साहब, आइए। आप कैसे हैं साहिब? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे मैं हो? अच्छा हूँ साहिब। बिटिया कहाँ है? अनुराधा। अरे बिटिया ठीक ठाक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सामान हमको तो हम लेके जाता हूँ। बात नहीं। अरे ये बताओ बिटिया, ऑस्ट्रेलिया से भाई आते जाते रहते हैं ना? तुम्हारे भाई सुंदर की बात कर रहा? वो अभी अमेरिका में है, दूसरा बच्चा होने वाला है, इसलिए माँ भी वहीं पे है। अरे बिल्कुल सही फरमाया, अब तो बाल बच्चे हो गए, अब यहाँ के क्या करेगा वो? अमेरिका जाने वाला आज तक कोई लौट के आया है क्या? कहेगा कि जल्दी आने वाला हूँ, लेकिन कभी नहीं आएगा। अरे आप कुछ से कम है क्या? इधर बगल में मुंबई में रहकर भी और 4 साल से हमें बिल्कुल शक्ल तक नहीं दिखाई। आपके लिए मुंबई बड़ा है और उसके लिए अमेरिका बड़ा है, और हमका तो हमारा गाँव बड़ा लगा। मैं मुंबई से यहाँ जो आ गया हूँ, अब यहीं पे रहूंगा। अरे बिटिया सामने देखो, बजरंग बली का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। अरे इस बार आप इधर है ना, आप भी देखना, जो मांगेंगे वही मिलेगा आपको। अरे इतनी भीड़ होती है, हर गाँव से हर शहर से लोग इधर आते हैं, बहुत मजा आता है। अरे साहिब देख के चलाइए गाड़ी, कहीं इनको ठोक दी, इन पर चढ़ा दी गाड़ी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे मत सिखाओ, इसी गाँव में पढ़ा लिखा हूँ, वो बंद कर। साहिब आप इतने सालों के बाद आए, फिर भी गांव की गलियों को अभी तक नहीं भूले। अरे पूरे गांव में हमारा घर ही तो बहुत बड़ा है साहिब, देखिए सामने, याद आ गया होगा आपको। अरे साहिब 4 भैंसे हैं और 2 गायें हैं, रोज हमका 30-40 लीटर दूध मिल ही जाता है, पूरा दूध सोसाइटी को ही सप्लाई करते हैं। दूध बेच के पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, पहले तुम सामान को अंदर रखो जाओ। हाँ ठीक है साहब। फिर कहा इस गांव में टाइम वेस्ट करें, शहर में रहना था ना। तब तुम 3 साल की थी और सुंदर 7 साल का। रघु बेटे। हाँ माँ जी नमस्ते। सुबह की रेल से आए क्या? हाँ माँ जी। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। अरे इतनी बड़ी हो गई, छोटी थी तब देखा था। बेटी हाँ, तू जल्दी से ब्याह करके बहुत सारे बच्चे जन्ना, ताकि ये आंगन बच्चों की किलकारियों से भर जाए। वेरी नाइस। अरे शर्म तो दे। क्यों बेटा, तेरी घरवाली तो अच्छी है ना? अच्छी है। कब आएगी वो? 3-4 महीने के बाद आ जाएगी। उसे देखे बहुत दिन हो गई, बड़ी भली औरत है वो, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ जी। अन्नो यहाँ अकेले खड़ी होकर क्या कर रही है? शहर में हम खिड़की के जरिए नीले आसमान को देखते हैं, लेकिन यहाँ की बात तो कुछ और ही है पापा। बहुत बड़ा घर, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा। आई लव दिस प्लेस पापा।
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर, आइए. शी इज माय डॉटर. हेलो. हाय मैम. अनुराधा. बैठो, आप भी बैठिए. आपने फोन पे बताया कि वीआरएस ले लिया, तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड. अचानक ऐसा क्यों किया? वैसे भी 5 साल के बाद रिटायर होते ही इसी गांव में आकर बसने का इरादा था मेरा. खैर, वीआरएस लेकर अपनी बेटी के साथ यहां आ गया. लेकिन हमारे जैसे प्रोफेसर्स के लिए रिटायर्ड लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है. हफ्ते में 6 दिन क्लासेस लेने की आदत जो हो जाती है, इसलिए संडे का एक दिन बिताना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. अपनी फाइल दो. या एक ही साल तो बचा है, तुम चेन्नई में ही कंटिन्यू कर सकती थी. जी मैम, पापा भी यही कह रहे थे, लेकिन मैं पापा को तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैं भी यहीं आ गई मैम. वेरी गुड. ऑफिस में अपनी फीस भर दो और आज से ही ज्वाइन कर लो. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. अनुराधा बेटी, तुम्हारे पिताजी और हम एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे. पेड़ों पे चढ़ना, पानी में कूदना, इस तरह की हरकतें करते हुए हम अपना समय बिताया करते थे. तुम्हारे पिताजी के साथ घूमते हुए देखकर मेरी माँ मुझे गालियाँ दिया करती थी. वो भी एक जमाना था. आज तुम्हारे पिताजी को नाम से पुकारने में हिचकिचाहट होती है. अच्छा, आगे क्या करने का इरादा है? यहाँ गाँव में तो दो ही काम है, या तो खेती बाड़ी करो या टीवी देखा करो. लेकिन मैं कुछ और करने जा रहा हूँ. हमारे गांव की गलियों में जो गीत गूंजते हैं ना, वही लोकगीत, उन गीतों को एकत्रित करके उन पर एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ. उन किताबों को कौन पढ़ने वाला है? सही कहा आपने, मैं पूछूं तो कहते मेरे दिल की इच्छा है. जाने दो बेटी, वही इच्छा है तो पूरी करने दो. माँ बाप की इच्छा, बच्चों की इच्छा और बीवी की इच्छा पूरी करते करते हम मर्दों की जिंदगी खत्म हो जाती है. देयर ही गॉट अ पॉइंट. रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप यहाँ आए हैं, फिर वो छोड़कर लोकगीत के पीछे भागने की क्या जरूरत है? अगर यही बात है तो तुम अपनी शादी करके अपना घर क्यों नहीं बसा लेती? शहर के अंदेशे में काजी क्यों दुबला हो रहा है? ये क्यों बंजारों की तरह इधर उधर भटक रहा है? तुम हाँ तो करो, दूल्हा मैं ले आऊंगा. अगर मेरे पापा जैसा कोई अकलमंद आदमी मिल गया तो मैं झट से शादी कर लूंगी. अगर ऐसा कोई मुझे मिल गया तो मैं फौरन शादी कर लूंगी. अरे बिटिया, अरे साहिब जैसे दूल्हा चाहिए तो पूरे गांव में डंडोरा पीटना पड़ेगा. अरे अगर मिल भी गया तो इनके जैसा खूबसूरत कहां मिलेगा. ये बताओ, अब गाना सुनकर लिखने के लिए कोई तैयार है या उसका इंतजाम भी कर दूं? ना नहीं, मैंने बोल के रखा है सत्य प्रसाद, वो गांव से आने ही वाला है. इसे उतरना, जल्दी उतरो. प्रोफेसर रघु जी का घर कहां है? अरे बनवारी, मास्टर जी को ढूंढ के कोई आया है, इन्हें उनके घर ले जाओ. आप? मैं हूँ सत्य प्रसाद, प्रोफेसर रघु जी ने बुलाया है रिसर्च असिस्टेंट के लिए. अरे अरे, आप वही हैं क्या? साहब बता रहे थे हमें, आप तो कल आने वाले थे. कल ही आने वाला था लेकिन रात को देर हो गई, बस मिस हो गई. अरे बेटा, ये सब काम तुम्हारा नहीं है, हमको तो नाम कर देते. तुम्हारे काम से मैं खुश नहीं, इसलिए मैं कर रही हूँ. बाहर साफ करते हो तो अंदर नहीं, शीशा साफ करते हो तो वाइपर नहीं. तुमसे कितनी बार कहा है साबुन लगा के ग्लास साफ किया करो. अरे हम तो गाय भैंस को नहलाते हैं, हमें कार को नहलाने के लिए बोलोगी तो कैसे चलेगा बिटिया? अरे जब हम खुद ही साबुन से नहीं नहाते हैं तो कार को कैसे नहलाएंगे? अरे बबू तुम चलो. ये जनाब कौन? सत्य प्रसाद. अरे साहब कल बोल रहे थे कि हमारा असिस्टेंट आने वाला है ना. हाँ. वो साहब यही तो हैं. साहब की बिटिया अंग्रेजी बहुत बोलती है, भुसभुस करके. हम जैसी गवार नहीं है, बहुत अकलमंद है. हाँ ऊपर ले जाओ. अच्छा बिटिया, पापा खुद बेकार बैठे हैं, अब ये भी बेकार बैठेगा. बेकार क्यों बैठूंगा? इन लोग कीटों को इकट्ठा करके क्या करने वाले हैं? जो जी में आए गा दिया. ऐसे लोग कीटों को इकट्ठा करके क्या मिलने वाला है? जो मन में आया गाने वाली बात नहीं है, ये लिखित साहित्य से काफी बढ़कर है. ये शैली की कविताएं आपने पढ़ी भी होंगी, उनकी बेस्ट लव फिलॉसफी. द रिवर्स मिंगल विद द सी, नदियां समुद्र में समाती हैं. द सन विद द माउंटेन, सूर्य पहाड़ में मिल जाता है. व्हाई नॉट आई विद यू ऑल, तुम लोगों में मैं क्यों नहीं मिल सकता? अरे वाह, क्या कमाल की कविता है ये. दिल से दिल मिले, समुद्र से तुम मिले, तुम से हम मिले, हम सब मिले, ये तो अंग्रेजी में कह रहे हो ना. देख लिया, विचार कितने मिलते जुलते हैं. शैली ने एक बार जो गीत लिख दिया वो सदियों तक रहेगा. अब जैसे लोकगीत है वो लिखा गया हो तो सदियों तक रहेगा. इंटरेस्टिंग. अरे हम भी तुम्हारी तरह फटफट अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये पढ़ाई हमारे नसीब में है कहाँ. अरे मास्टर जी ठीक नहीं मिले थे हमको उस समय. अरे वो अपनी बात को ही दोबारा दोबारा बोलते रहते हैं तो हमारे दिमाग में कहाँ आने वाला था, इसीलिए कुछ नहीं पढ़े हम. अरे जरा संभल के आना.
अरे इस घर में सब कुछ हम ही है, हमसे पूछे बिना तो यहाँ परिंदा ही पर नहीं मारता। हाँ अरे देखो ये तुम्हारा कमरा है, अरे बाथरूम पिछवाड़े में है, और खाने के लिए नीचे आ जाना। अरे आओ बब्बू आओ, अरे संभल के आना। आओ बनवारी। अरे भैया खाना हो गया क्या? हाँ अभी अभी तो खाया है। अरे साहब तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं, इसलिए लेके आए यहाँ पर। साहब आइए आइए। नमस्कार, आइए। अरे बोरी हटाओ ना, आइए मालिक बैठिए। कोई बात नहीं साहिब, जब ये गाना गाते हैं तो सब अपना गम भूल के मस्त हो जाते हैं, इसीलिए तो सब लोग इनको गाने के लिए बुलाते हैं। इतना बढ़िया गाना गाते हैं। ये क्या, मैं अकेला थोड़ा ही गाता हूँ, गांव में खेतों में काम करने वाले सभी गाते हैं। फसलों के लिए खाद की जरूरत होती है, और मूछों के लिए शान की जरूरत है, और गले के लिए सुर की जरूरत है, ऐसी कहावत है। चूंकि बचपन से ही गाता आ रहा हूँ, इसलिए लोकगीत तो मेरी आत्मा में बसा है। क्या आप एक गाना गाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, फ्रेश टेप है ना? जी हाँ। आप गाइए। जरा मन की किवड़िया खोल सैया तेरे द्वारे खड़े, जरा मन की किवड़िया खोल सैया तेरे द्वारे खड़े, सैया तेरे बल में तेरे द्वारे खड़े, तेरे द्वारे खड़े, जरा मन की किवड़िया खोल सैया तेरे द्वारे खड़े। कब आएगी नदी किनारे श्याम तुझको पुकारे बोल, जरा मन की किवड़िया खोल। आपकी वाणी बहुत ही मधुर है। आपने बिल्कुल सही कहा मालिक, मेरी आवाज तो बहुत दूर दूर तक गूंजती है, हर आदमी का ऐसा गला नहीं होता। देखिए ये फटा बांस है, इसका गाना सुनेंगे? क्यों नहीं, उरंचन शुरू हो जा। जमुना के तट पर मारी नजरिया ऐसी सावरिया ने, के मन व्याकुल है उसे पाने के लिए, आंखों में निंदिया नहीं मन में चैना नहीं, आजा पास मेरे दूर कभी जाना नहीं, तू ही मेरा जीवन है तू ही प्राणवायु है, तू मुझसे दूर कभी जाना नहीं, तू पास है तो मौत भी टल जाएगी। अब आप उसकी सुरीली आवाज सुनेंगे, वो भी अच्छा गाता है। गाओ बेटा। दो प्रेमी आए और ऐसे मिले जैसे सागर से नदियां मिले, प्रेम के सागर में गोता लगा कर वो अमृत को खोजने लगे, अरे अमृत को खोजने लगे। कैसी लगी मालिक? बहुत खूब, ये भी बहुत अच्छा गाता है, बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। लाली तेरे होठों की आज मैं चुरा लूंगा, भरे समाज में तुझे मैं अपना बना लूंगा, दिन ये सुहाना आज इकरार कर ले, दूर दूर मुझ सबा का नहीं जान ले, दिल न तोड़ अपने मन की बात मान ले, तू ही मेरी जिंदगानी आ करीब आ। अब कोयल की आवाज में कोई लोकगीत सुनना चाहे? जरूर सुनेंगे। गाओ बेटी। तुम्हारी दिसारे हम आ गए परदेसी, तुम्हारे दिसारे, तुम्हारे दिसारे हम आ गए परदेसी, तुम्हारे दिसारे, झंझन झंझन घुंघरू बाजे डम डम डमरू दंगा बहती है। अरे मेरी चमक, चलो कितनी अच्छी आवाज है। अरे कितना भी घर का खाना खा लो, जब तक महमूद मियां के ठेले पे जाके ना खाऊं तो दिल ही नहीं भरता, उनका तो जवाब ही नहीं है। अच्छा हुआ आप लोग जल्दी घर में आ गए, अगर बारिश से भीग जाते तो हालत ही खस्ता हो जाती। सॉरी सॉरी, देख के नहीं चल सकते क्या? अरे बिटिया तुम इधर हो हमको समझ में आ रहा है, फिर भी तुमने टक्कर क्यों मारी हमका? अंधेरे में मैं नजर आऊंगी क्योंकि मैं गोरी हूँ, जब तुम जैसे सांवले लोग अंधेरे में आओगे तो बत्तीसी दिखा के आना, नहीं तो नजर नहीं आओगे। अरे देखा बाबा, हम लोग सांवले हैं इसलिए बत्तीसी दिखा के आना पड़ेगा, आइंदा ऐसे ही दिखाते हुए आएंगे। चलो बनवारी 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 तो नहीं है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, पापा बैंक गए हैं, बनवारी आए तो कहना यहीं रहने के लिए। अरे फिक्र ना करो बेटे हम आ गए हैं, अब तुम जाओ। कौन है ये? सत्य प्रसाद, मेरे पापा के असिस्टेंट है। काला है लेकिन दिल वाला है। अरे वाह वाह, जरा दोबारा बोलना। काला है दिल वाला है, यही तो कहा है मैंने।
अरे बबुआ सुना तुमने, कह रही है काले हो लेकिन दिलवाले हो। हेलो, ये बात अपनी फ्रेंड से कहिए। हाँ बेशक ब्लैक ब्यूटी होती है। जब कृष्ण की तस्वीर बनाई गई थी पहली बार तो वो सांवली ही बनाई गई थी, तभी तो राधा के सांवरिया थे। समुद्र की गहराई काली, बरसने वाले मेघ काले, कुल मिलाकर काला रंग ही सबसे अच्छा। अरे बबुआ हम जैसे काले लोगों की तो किस्मत खोल दी तुमने, इससे बढ़िया खिताब हमें और क्या मिलेगा। जाओ जाओ पढ़ो जाके कॉलेज में। नमस्ते बेटा। नमस्ते बनवाड़ी। अरे भैया साहब है क्या? क्या बात है साहब, तो बाहर गए हैं। बाहर गए हैं, आज मुझे बुलाया था। ये बात है? हाँ। थोड़ी देर रुकिए, अभी पूछता हूँ बिटिया से। अनुराधा अनुराधा चाय वगैरह कुछ लेकर का? आइए आइए। कैसे हो बिटिया? साहब जी को मिलने के लिए आया था। आप बैठिए, पापा ने आपके लिए पैसे दिए, मैं लेके आती हूँ। ठीक है एक मिनट। हाँ बेटे गीतों का काम कैसे चल रहा है? काफी अच्छा चल रहा है। इससे कोई फायदा नहीं होगा बेटे, अगर मेरे बारे में किताबों में छापोगे तो तुम्हें फायदा ही होगा। ये आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? बेटे एक एकड़ जमीन पे मैंने केले के पेड़ लगा के कॉलेज पढ़ने वाले बेटे को बोलकर बेटी के घर चला गया। लौटने में लेट क्या हुआ, आकर देखा कि केले के पेड़ सब बर्बाद हो चुके थे। तुम जैसे पढ़े हुए जवान खेती के बारे में क्या जाने भला, तुमने बचपना ही है। मैं जानता हूँ, केला प्रत्यारोपण के बाद दो बार खाद डालनी चाहिए, DIP, पोटेशियम सल्फेट, यूरिया, ये सब मिलाकर एक केले के पेड़ के लिए 300 ग्राम डालना और सिंचाई करें। अगर आपने सिंचाई नहीं की तो 5 दिन तक ही टिकेगा, मूंगफली 10 दिन टिकेगा और तिल 20 दिन टिकेगा। अच्छा आपने एक एकड़ में 1000 केले के पेड़ लगाए होंगे, तो केले मजदूरी और खाद कुल मिलाकर आपको 40,000 का नुकसान होगा। बहुत अच्छे मास्टर जी, अकलमंद आदमी को ही साथ रखे हैं। ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। जी जी। सत्य प्रसाद ऐसा झटका दिया है कि रामसन पैसा लेके दुम दुमा के भागे। अरे वाह बबुआ, अंग्रेजी में गाना गाते हो, पहाड़ और सूरज की खबरें देते हो, कमाल करते हो भाई आप तो। ऐसा बढ़िया दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी भैया, थोड़ा बहुत हमरे भेजे में भी डाल दो ना तो हमारा काम निकल जाएगा भैया। देखो बनवारी सुनो, सांप के पैर नहीं होते, मक्खी के दांत नहीं होते, तितली की जीभ नहीं होती, पतंगे का पेट नहीं होता है, मेंढक की गर्दन नहीं होती, केकड़े का सर नहीं होता है, अल्बेनिया में धर्म नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रेन नहीं है, सऊदी अरबिया में नदी नहीं है, अफ्रीका में कोई गोरा नहीं है और अमेरिका में। अरे बस बस बस, ये सब हमारे दिमाग में घुसने के लिए 7 दिन मिलना पड़ेगा। आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख अगले महीने की 10 को तय कर दी गई है, ये चुनाव आयोग का निर्णय है। पिछली बार की तरह इस बार भी सत्तारूढ़ी पार्टी को ही विपक्ष से मजबूत बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 90 रनों से हराकर एक दिवसीय श्रृंखला पर जीत हासिल कर ली है। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव की तारीख चुनाव आयोग कमीशन ने अगले महीने की 10 को तय कर दी है। चुनाव आयोग कमीशन इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। प्रत्याशी 16 अप्रैल से अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने नामांकन की अंतिम तिथि 28 अप्रैल तय की। तत्पश्चात ही चुनाव प्रचार आरंभ हो सकेगा और जो प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहे वो 28 अप्रैल से पहले ले सकते हैं। 28 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं है। केवल यही नहीं, चुनाव आयोग इस पर कड़ी नजर रखेगा। अरे चुप रहो भाई, रघु के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी चुप नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता रहता है। बेटा विदेश में कमा रहा है, ऊपर से यहाँ खेती बाड़ी भी है, इसके अलावा पेंशन भी आ रहा है, फिर भी चुप नहीं बैठता है। गांव के लोक गीतों को एकत्रित करके उसपे किताब बना रहा है। चुप बैठूंगा तो पागल हो जाऊंगा। 30 साल से मैं चुप बैठा हूँ तो मैं क्या पागल हो गया हूँ? शुरू हो गए भैया, चुनाव खत्म होने तक यूं परेशान करते रहेंगे, हम तो मारे जाएंगे। पता नहीं इन्हें इतना पैसा कहाँ से मिलता है। अरे जानते हो, अरे वही समूलाल का बेटा नथुलाल है, 4 साल पहले गाय भैंस चलाता था, आज वो विपक्ष पार्टी का कार्यकर्ता बन गया है। इस बार MLA की सीट जरूर उसी को मिलने वाली है, पदवी के बिना ही करोड़ों अरबों कमा चुका है वो, अगर पदवी भी मिल गई तो सारा गांव ही खरीद लेगा। अरे उसी के लिए तो राजनीति में आते हैं, नहीं तो क्या लोगों की सेवा करने आते हैं क्या? सेवा करते थे उस जमाने के राजनेता, वैसे आजकल लोग पैसे और नाम के लिए राजनीति में आया करते हैं। पंचायत करने वाले और नकली शराब बेचने वाले गुंडे वगैरह आजकल राजनीति में आ रहे हैं,
उन्हें ना गांव की फिक्र है ना ही जनता की। आजादी के लिए गांधी जी ने लोगों को राजनीति में आने का आह्वान किया था, तब देशभक्त लोग उनके साथ जाकर खड़े हो गए थे और देशद्रोही उनसे अलग हो गए। आज देशद्रोही देश की बागडोर को संभालने के लिए देशभक्तों को पैरों के तले कुचलकर आगे बढ़ रहे हैं। देशभक्ति का यही इनाम मिला है। देखिए भाई, आजकल तो देशभक्ति सिर्फ नाम के लिए ही तो बची है। आजकल तो राजनेता 500 की गड्डियां और दारू की बोतलें देकर ही वोट और वोटरों को ही खरीद लेते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। पता नहीं भारत देश का क्या होगा, हम लोग तो पॉलिटिशियंस के हाथों खिलौना बन के रह गए। किसके मन में क्या है और उनका नाम क्या है? लाजवंती, तुम्हारे मन में का है अब हम पता करने जा रहा हूँ। हम जो जो पूछता हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो बस। तुम किसी एक के बारे में सोच लो। सोच लिया। आदमी है या औरत? आदमी है। अपने गांव का है बाहर गांव का है? अपने ही गांव का। कौन गली? हमारी बगल की गली वाला। हमारी बगल की गली वाला? हमको सोचने का थोड़ा टाइम दो, तुम अपना काम करो, हम बाद में बताऊंगा तुमको। मैं भी इसकी बात अपने गांव का बोल रही है, हमारी गली का बोल रही है, मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा? अरे वो तो झट से मन की बात भांप लेता है। अरे धत तेरे की। क्यों बनवारे, नौकरी छोड़ने का इरादा है क्या? बहुत सोच रहे हो। अरे वो बात नहीं है बबुआ, अरे किसके मन में क्या, ये बात हम लाजवंती से पूछ के बुरी तरह फंस गए। ये तो बहुत मुश्किल काम है बबुआ। इतना भी मुश्किल नहीं है। हम खुद पता नहीं लगा पाए भैया, आप कैसे लगाएंगे? ठीक है तो मैं पता लगाऊं? अरे बब्बू आप इतने पढ़े लिखे हैं, अपनी मर्यादा संभाल के रखिए, वरना पता लगा लिया तो देख लेंगे। किसी के बारे में सोचो। सोच लिया। औरत है आदमी? आदमी। राजनीतिज्ञ या कलाकार? कोई कला से संबंधित है और राजनीति भी कभी कभी। प्रभावशाली है? अरे छोटे बब्बुआ से पूछो, ये बता देगा। सुपरस्टार शाहरुख खान ना? अरे बब्बुआ झट से कैसे बता दिए? बनवारी, हर एक क्षेत्र में वीआईपीज बहुत कम होते हैं और थोड़े से लोग कुछ को ही जान पाते हैं। जैसे तुम ज्यादा से ज्यादा 5-6 को ही जानते हो, बस और कुछ नहीं, बहुत आसान है। और कोशिश करोगे ना तो किसी की भी मन की बात जान सकते हो। हेलो, मेरे मन में कौन है ये पता लगा सकते हो? शाबाश बिटिया, शाबाश। अरे बब्बू हम तो अनपढ़ हैं, झट से हमारी नस पकड़ लिए। अरे ये बिटिया के मन में कौन है बताओ तब हम माने। किसी के बारे में सोच लो। लड़का या लड़की? लड़का। चाहती हो उसे? इंडिया का ही है ना? हमारे ही राज्य का? राजनीतिज्ञ या कलाकार? दोनों से दूर है। खेलकूद? नहीं। विज्ञान से? नहीं। साहित्य? नहीं। नहीं। ये क्या, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, फिर नहीं क्यों कह रही? सॉरी, आपके मन में कौन है ठीक से मैं जान नहीं पाया। बनवारी, पढ़े लिखों की बात जानना बहुत मुश्किल है, वो भी अगर कोई लड़की हो तो उसके मन की बात जानना नामुमकिन है। चलो। हाँ बब्बू, ये तो बड़ा मुश्किल का काम लगता है। बस आगे चल, आज कॉलेज के बाद कहाँ चले? रूम में। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बिटिया, कॉलेज जा, जल्दी छूट गया का? हाँ भैया। हम लड़कियाँ थकी हारी खड़ी हैं यहाँ और ये नमूना हम लड़कियों को जगाई नहीं दे रहा। अरे देखो, बात को घुमाने की कोशिश मत करो, हम दोनों एक ही स्कूल में तो पढ़े हुए हैं ना, और मैं ऊप के पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था और तुम अकड़ कर कॉलेज तक पहुँच गयी हो, मुझसे ज्यादा भाव मत खाना। हाँ अगर तुम्हें जरा भी अकल है तो तुरंत इस सीट से उठकर चले जाओ, लेकिन जाहिलों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखो बहुत जबान चला रही हो, ये बहुत बुरी बात है। क्या बुरी बात है? 5 पेपर में फेल होना गलत बात है का? बिल्कुल नहीं। 5 सेमेस्टर हम 5 साल तक लिखता रहूं, ये क्या गलत है का? हाँ कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। 5 साल में 5 एरियाज को 5-5 बार लिखना है, ये सही है क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। अरे ये तो वही कर रही है। हम तो स्कूल में ही फेल हो गए, ये तो सबको पता चल गया है, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, पास हो या फेल हो आगे धकेलते ही चले जाते हैं। और इनका देखो, पढ़ाई का नाम लेके शादी होने तक पढ़ती ही चली जाएंगी। अरे महारानी, हमको अनपढ़ बोल के बहुत ताना मार रही हैं। अरे बहुत पढ़ी लिखी समझती हो, हमारे एक सवाल का जवाब दो तो मानू, बिन दांत का प्राणी कौन?
सही पूछा ना, नहीं जानती बेजुबान प्राणी कौन है ये भी नहीं जानती, जिसकी गर्दन ना वो प्राणी ये भी नहीं जानती ना, बिन पेट का प्राणी ये भी नहीं पता ना। तो सुन ले, मक्खी के दांत नहीं, पतंगा का पेट नहीं, तितली की जुबान नहीं, मेंढक की गर्दन नहीं और केकड़े का सर नहीं। अरे बिटवा का है, तुम चरवाहा होकर बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो। देखिए इंसान दो तरह के होते हैं, अरे एक तो ऐसे पढ़े लिखे गवार और दूसरे होते हैं अनपढ़ बुद्धिमान। अरे चाचा दूसरी श्रेणी में आते हैं ना। अब बोलिए। क्या बताऊं बेटा, किताब पढ़कर थोड़ी ना बोलती हूँ मैं, मेरे मन में जो आता है वही बोल देती हूँ। जो मेरी अम्मा गाया करती थी, मेरे बाबू गाया करते थे, अब मैं गाती हूँ। मुझे तो एक ही चिंता है बेटा, अब मेरे बाद भला कौन गाएगा। इस तरह क्यों बोल रही हैं आप? मेरी बहू टीचर का काम करती है, पोता पोती इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास कहाँ है समय। ये पुस्तक एक बार छप गई ना तो सारी दुनिया इसे पढ़ने वाली पढ़ने है। पढ़ने तो अच्छी बात। अरे चाची कैसे गीत पसंद है तुम्हें? बुआई के गीत, सिंचाई के गीत, कटाई के गीत, खुशी के गीत, सब तरह के गीत गा लेती हूँ। दादी माँ क्या सब में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? मेरे घर वाले के बारे में जो गीत है वो मुझे पसंद है। क्यों दादी, उस जमाने में भी तुम दद्दू के साथ डांस वांस किया करती थी क्या? हाँ बुआ। जरा वो गीत गाइए ना चाची। लाज आती है। अरे लाज कैसी, साफ बोल रहे हैं गा दो ना। परदेसी पिया धक धक धड़के मोरा जिया, पान चबाई के आवत पिया, मन मेरा ये गीत गावत पिया, सोला सिंगार करती हूँ मैं, मोरा जिया मचलाए मोरा पिया, तू है मोरा बाका पिया, बाका पिया मोरा बाका पिया। दिल में तेरे क्या है बताए, ठंडी हवा पूछे सवाल, दिल में तेरे क्या है बताए, ठंडी हवा पूछे सवाल, दिल में छुपा है कोई ये भला, कैसे मैं उसे कहूँ, आया चुराने वो दिल किससे मैं उसकी शिकायत करूँ। दिल में तेरे क्या है बताए, ठंडी हवा पूछे सवाल, दिल में तेरे क्या है बताए, ठंडी हवा पूछे सवाल। ठंडी हवा में नशा तेरा चलिए, कहता है तुमसे बालमा प्यार में, बात ये प्यार की माना लो प्यार से, प्यार का नशा है इन ठंडी वादियों में, दिल ये कैसे माने पगला है प्यार में, दिल में तेरे क्या है बता, ये ठंडी हवा पूछे सवाल, दिल में तेरे क्या है बता, ये ठंडी हवा पूछे सवाल। खींचा चल आऊं तेरी तरफ, कैसा जादू है ये, मेरे भोले साजन तेरे दिल में जगा दे दे मुझे, पता भी चला नहीं दिल में दुआ बसी, तड़पा के अब मुझे जाने जा कहां चली, प्यार की ये बातें ना खुल के मुझसे करना, मुझको ना सता तेरे क्या है बता, ये ठंडी हवा पूछे सवाल, दिल में तेरे क्या है बता, ये ठंडी हवा पूछे सवाल।
में छुपा है कोई, ये भला कैसे मैं उसे कहूँ। आया चुराने वो दिल, किसे मैं उसकी शिकायत करूँ। दिल में तेरे क्या ही बता, ये ठंडी हवा पूछे सवाल, दिल में तेरे क्या है बता, ये ठंडी हवा पूछे सवाल। लोक गीतों से संबंधित अभी तक कोई भी अच्छी किताब मार्केट में नहीं आई है। प्रोफेसर मनिक ईरानी ने इस पे एक किताब जरूर लिखी थी। हाँ भाई साहब, उसकी पहली प्रति आई थी 1964 में, उसके बाद कोई भी नहीं आई है। ठीक वैसी ही हमारी पुस्तक भी होगी। प्यार, विवाह, परिवार, लोरी, ममता, इन सब के बारे में रिसर्च करके लिखा है। ये अब कब तक तैयार कर सकते हैं? फाइनल वर्क अभी भी जारी है, बस एक महीने में खत्म हो जाएगा। पूरी होते ही ले आना। जी अच्छा, मैं इसे हेड ऑफिस भेज दूंगा, बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज हम बाद में देख लेंगे। प्रोफेसर रघु चाहते हैं कि बस ये उनके लोक गीत छप जाए, पैसों की अहमियत नहीं है। चार लोगों को अच्छी चीज मिल जाए, इसी पे हम भी मेहनत कर रहे हैं। जरूर आना, पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सर। अच्छा चलता हूं। ठीक है। मैम सब खाना लगाऊं? पापा ने खा लिया? नहीं मैम सब। कहाँ गए हैं? नहीं जानती। ठीक है वहां रख दो। कार तो यहाँ है पर पापा कहाँ गए? दादा पापा को देखा क्या? सवेरे ही खेत पे चले गए। खेत में गए? पापा नाश्ता किए बगैर सुबह सुबह खेत में आ गए? ओ, 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 कुछ नहीं, जस्ट वॉकिंग के लिए आए थे और बातें कर रहे हैं। हाँ आज हमारे पुराने मंदिर में फसलों की पूजा जो है, तुम रेडी तो हम सब चलते हैं। ओके देखो बेटी, किसी डार्क रूम में सनलाइट के बिना ये जो मूंग दाल, चने की दाल और तुअर दाल, इन सबको 8 दिन पानी से सींच के उगाते हैं और उसके बाद उसे लाकर मंदिर में रख के उसकी पूजा करते हैं। फिर 3 दिन खत्म होते ही 3 days later उसे उठाकर लोग गांव गांव घूमते हुए नदी में बहा देते हैं। ये बात है? सिस्टम। वाओ, नाइस है। इस सेट में 2 क्लेवर्स आ गए हैं और एक स्टोर हो गया है। सो क्या है सत्य, क्या हुआ? क्या हुआ बोलो सत्या। कुछ नहीं सर, मैं ऊपर छत पे जा रहा हूँ। सर सभी दलों ने उम्मीदवारों की लिस्ट तय कर दी है। शंभूलाल इस बार मुंबई से नहीं पुणे से खड़ा हो रहा है, कल वो नामांकन भरेगा। Yeah! Hey!
सांसों के ये गर्मियां, होता है ये प्यार में, अपने दिल से पूछ लो, कहता है ये प्यार कर। प्यार की ये रुत है अब जवां, दिल की धड़कने है अब जवां। सांसों की ये गर्मियां, होता है ये प्यार में, अपने दिल से पूछ लो, कहता है ये प्यार कर। प्यार की ये रुत है जवां, दिल की धड़कने है अब जवां। सांसों की ये गर्मियां, होता है ये प्यार में, अपने दिल से पूछ लो, कहता है ये प्यार कर। प्यार की ये रुत है अब जवां, दिल की धड़कने है अब जवां। को बता, प्यार में हद से गुजर जाएंगे हम, सीने से जान जा मुझको लगा। पास भी आकर तड़पे है दिल, दूर भी रह कर धड़के है दिल। प्यार किया और दूर भी रहना, ये हमको मंजूर नहीं। प्यार ने पागल किया, कैसा ये तेरा प्यार है। शोखिया ये प्यार की, बढ़ गई दीवानगी, आ तुझे चूम लो। प्यार की ये रुत है अब जवां, दिल की धड़कने है अब जवां। सांसों की ये गर्मियां, होता है ये प्यार में, अपने दिल से पूछ लो, कहता है ये प्यार कर। पींगे बढ़ा ले ओ सजनी, अब का है की लाज शर्म। कैसे कहूँ मैं, धरता है दिल मेरा, पहला है मेरा प्यार सजन। धरती पे स्वर्ग दिखाऊंगा तुझको, मेरा ये की कर ओ सजनी। बाली उम्र या रुसवाई से, धरता है दिल ये मेरे सजन। एक हो जाए सनम, डूब जा मेरी सांसों में। एक हो जाए सनम, माज से तो हम बने दो बदन एक जान। प्यार की ये रुत है अब जवां, दिल के धड़कने है अब जवां। याद है पिछली बार आपने वादा किया था कि आप हमारे क्षेत्र में कॉलेज बनाएंगे, लेकिन कॉलेज तो बनी नहीं, इस बार भी वही रट लगा रहे हैं। मैं बचपन से ही एक जैसा हूँ, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता हूँ। दादा, जनता विश्वास कैसे करेगी? उनमें विश्वास जताना तुम्हारा काम है। मेरे भाइयों और बहनों, पिछली बार
आप लोगों ने अपना कीमती वोट देकर मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया। सिर्फ मेरे एमएलए बनने से क्या फायदा? देखिए, आप लोगों ने हमारी पार्टी को विपक्ष की पार्टी में बिठा दिया। लेकिन इस बार सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारी पार्टी के हर एक उम्मीदवार को आप सब अपना कीमती वोट देकर सरकार बनाने का मौका दीजिए। और हम सत्ता में आते ही सबसे पहले कॉलेज की उस फाइल पर साइन करेंगे जिस फाइल पर सत्तारूढ़ी पार्टी ने साइन करने से इनकार कर दिया था। इस तरह विश्वास प्राप्त करना होगा, तभी सोचे बिना जनता वोट डालेगी। देख, जिसमें सोचने की ताकत नहीं है वो है जनता, जिसमें सोचने की ताकत है वो है राजनेता। बेशक इस बार मैं ही जीतूंगा, लेकिन कितने वोटों से जीतूंगा यही समझ में नहीं आ रहा है। हेलो सर जी, पूजा में हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। सर जी, पार्टी ऑफिस में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो, गाड़ी को सीधे झरने के पास लेकर जा, वहां नहाएंगे तो सारा नशा उतर जाएगा। चल। जहाँ पर हुआ वहाँ लोगों की भीड़ भाड़ बहुत कम है और यहाँ आने वालों में अधिकतर टूरिस्ट हैं और सीजन के समय लाखों सैलानी यहाँ आते हैं, इसलिए खूनी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे इसमें काफ़ी अड़चने हैं, फिर भी हमने जांच शुरू कर दी है और हमने सैलानियों से गुजारिश की है कि झरने में वो ना नहाएं। हमारी पार्टी के उम्मीदवार देवराज की मौत की वजह सत्तारूढ़ी पार्टी ही है। हारने के डर से किराए के गुंडों को भेजकर उनको टपका दिया गया है। लाखों लोगों के सामने, वो भी झरने के पास, उनका खून हुआ है। खूनी कहां से आया और कहां गया किसी को पता नहीं है। ये पुलिस क्या कर रही है? वो कातिल को पकड़ने में नाकाम रहे हैं और कातिल को पकड़ेंगे भी नहीं। सत्तारूढ़ी पार्टी अभी से दंगा फसाद शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, हमारे प्रेसिडेंट को सीएम बनाने के लिए आप लोग एकजुट होकर काम करें, इसी में भलाई है। नमस्कार सर, दो उम्मीदवारों की हत्या हो गई है, जनता कह रही है कि इससे चुनाव प्रक्रिया में रुकावट आएगी, आप क्या कहते हैं? जहां तक राजनीति का सवाल है, यदि कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो हम उसका खंडन अवश्य करेंगे। पुलिस की सुरक्षा में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान हो, ऐसा निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है। उम्मीदवारों के कत्ल के चलते क्या चुनाव मुलतवी किए जाएंगे? क्यों मुलतवी करेंगे, क्योंकि नामांकन वापस लेने की तिथि अभी समाप्त नहीं हुई है। हर पार्टी प्रत्याशी बदलने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव 10 मई को ही संपन्न होंगे। सर, इस खून की वजह से कोई अड़चन आ सकती है? पुलिस कमिश्नर से पूछा जाने वाला प्रश्न आप गलती से इलेक्शन कमिश्नर से पूछ रहे हैं। हमें गंभीरता से काम करना होगा। यस सर। मैं कम इन सर। प्लीज कम इन। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। जिस उम्मीदवार शंभूलाल जी का नासिक में खून हुआ उसकी सारी डिटेल इस फाइल में है, और ये फाइल उस उम्मीदवार देवराज की है जिसका खून धरने में हुआ।
पहला खून हुआ तो हमारे डिपार्टमेंट ने सोचा कि इसमें अपोजिशन पार्टी का हाथ है। वहाँ के एसी ने भी यही कहा था, मगर दो दिन के बाद ही दूसरा खून हो गया और अब जिसका खून हुआ वो अपोजिशन पार्टी का है। मैं समझता हूँ कि दाल में कुछ काला है। वैसे मैंने दोनों कमीशनों को बोला है कि इमीडिएटली इस केस की छानबीन करके रिपोर्ट आपको भेजे। यू मस्ट फॉलो अप द केस एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड। ओके ओके सर। क्यों भाई, वैसे नासिक में श्याम सिंह जीतेगा क्या? ये श्याम सिंह कौन है भैया? अरे वही श्याम सिंह जो शाम को 3 बजे के बाद प्रचार करता है। अरे वो हाँ। वो अवश्य ही चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वो एक नंबर का कंजूस है। एक वोट का आप 1000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन वो साला 1 पैसा भी नहीं देगा। अगर वो हार गया तो आप भी मुझे अच्छी पदवी देंगे ना? ओके, कोशिश करेंगे। सर जी टाइम होने वाला, अगला स्टेशन भी आ रहा है। खैर तुम लोग जाकर सो जाओ, सवेरे बात करेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्ते, चलता हूँ। सर ने तुम्हें जाने के लिए कहा है, सुबह आ जाना। सर जल्दी अंदर आओ। अच्छा सर। हाँ। अंदर जाओ। ओके सर जी। ठीक है तुम जाओ। बैठो। नाम क्या है? ये क्या, मुझे नहीं जानते, मैं हूँ सरला। सरला कहाँ की हो? वही 4 साल पहले राजधानी एक्सप्रेस में मिले थे ना। ओह तुम वही हो। पहला नशा पहली खुमा। कैसे याद रहेगा, आप तो हर रोज एक नई लड़की के साथ रंगरेलियां जो मनाते हैं। बट पहले सीने से तो लग। सभी नेताओं के दिल में खौफ पैदा हो गया है। आज इस सिलसिले में मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। फिलहाल क्या करें बोलिए। आगे से इस तरह का हादसा न हो, इसीलिए सीएम साहब ने आपको गृह मंत्री की पद भी दी। और यहाँ खून पर खून होते जा रहे हैं और खूनी का पता नहीं चला, यानी आप नाकाम रहे। क्यों भाई, तुम्हारी परेशानी यही है कि खूनी को मैंने नहीं पकड़ा या पुलिस डिपार्टमेंट मेरे कब्जे में है इसलिए?
देखिए इनके कहने का मतलब है, क्या खूनी को मैंने अपने घर में छुपा के रखा है जो तुम इस तरह की दलील दे रहे हो? पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, पता लगते ही मैं तुम्हें सबसे पहले आकर बताऊंगा। खूनी को हम जरूर पकड़ेंगे। मेरी बात सुनिए, अगर यही हाल रहा तो विपक्षी दल वाले यही कहेंगे कि हमारी कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और मुझे भी इस्तीफा देकर घर में जाकर बैठना होगा। अब उनका मुंह बंद करने के लिए कोई उपाय तो बताइए। चुप रहो यार, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। एक काम करते हैं, ये जो कत्ल हो रहे हैं ये सब गणतंत्र के खिलाफ है और खंडनीय भी है। ऐसी एक सूचना देकर हम लोग चुप बैठ जाते हैं। ये जो तीन खून हुए हैं, इनमें राजनीति या बिजनेस या किसी अंडरवर्ल्ड का हाथ नहीं है। इन तीनों खून से पता ये चलता है कि इन मरने वालों की किसी से भी आपसे दुश्मनी नहीं थी। इन तीनों में केवल एक समानता थी, ये तीनों राजनीतिज्ञ थे। सो जिसे राजनीति पसंद नहीं, जिसे राजनेता पसंद नहीं, जिसे चुनाव पसंद नहीं, वैसे किसी इंसान ने यह किया है। इसके जरिए पूरे राज्य में राजनेताओं के बीच वो दहशत फैलाना चाहता है। अरे यार, अपने क्षेत्र में कौन जीतेगा बताओ। अरे हार जीत की बात छोड़ो, कौन यहाँ जिंदा रहेगा उसकी पूछो। आज तक सब नेता से डरा करते थे, अब नेता लोग डर के मारे भाग रहे हैं। क्या होगा कुछ पता नहीं। एमएलए बनने के लिए राजनीति में प्रवेश किया, लगता है जल्दी ही हम लोग पहुँचा देंगे। क्यों भाई, 5 साल के बाद तो चुनाव आने वाला ही है ना, जान बचानी है तो अगले चुनाव में खड़े हो जाएंगे। क्या पागल कुत्ते ने काटा कि अभी जाके मरे? हम अभी इसी वक्त जाकर नामांकन वापस लेते हैं। उम्मीदवार नामांकन वापस ले रहे हैं और कातिल कत्ल पे कत्ल करते जा रहा है। सर मुझे कुछ कहना है। वो किसका खून कर रहा है? चुनाव में खड़े रहने वाले उम्मीदवार का। हर क्षेत्र में 2 खास उम्मीदवार होते हैं, तकरीबन 400 लोग। उन 400 में से जो सबसे बदनाम है उसको मारता है वो। हम उसको फॉलो करेंगे तो वो हमारे जाल में फंस जाएगा। नॉट ए बैड आइडिया। यस सर। कंप्लीट डिटेल्स कलेक्ट करो, उनके ऊपर जितने केसेस हुए हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, उनका परिवार, कितनी बार दल बदली किया है, ये सारा कलेक्ट करो। ओके आइए सर। हेलो सर। हेलो सर, बैठिए सर। चुनाव आयोग के काम हमें करने के लिए कह रहे हैं, पूरी लिस्ट तैयार है। जी वैसे इस लिस्ट की जरूरत नहीं थी। क्यों सर? सर मैं आपको समझाता हूँ। पहले साउथ साइड कादर खान, 2 बीवियां, 40 बसें चल रही हैं और 3 बार आईटी ग्रेड हो चुकी है। पूरन चंद, एक ही पत्नी है मगर एक लड़की के बलात्कार के केस में फंसे हुए हैं। 4 बड़े बंगले हैं। गंगाधर, एक बुजुर्ग बैचलर, 10 साल से कत्ल का केस इनके ऊपर चल रहा है। रंगनाथ, बाप के बलबूते पे इलेक्शन में खड़े हैं, सीट लेने के लिए 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। चंदन, पहले बेकरी थी मगर अब एक ज्वेलरी शॉप है, कारण जाली नोटों का काम। कनकराज, इसका बाप रूलिंग पार्टी एमएलए था, विपक्ष के बहकावे में अपने बाप का कत्ल करके खुद को बेगुनाह साबित कर दिया उसने, अब उन्हीं के उम्मीदवार बनके इलेक्शन में खड़े हैं। श्रीनिवास रेड्डी। सतीश, इनकी बातों से लगता है सबके सब मारे जाएंगे। मरने वाले उम्मीदवारों के बदले पार्टी किसी और उम्मीदवार को खड़ा करेगी क्या? पहले 20-30 लाख दे के एमएलए की सीट खरीदते थे मगर अब पैसा देने के लिए हफ्ता तैयार है पर कोई एमएलए बनने को तैयार नहीं। सही बोला आपने। हम लाखों करोड़ों खर्च करके क्यों चुनाव लड़ते हैं? ताकि जीत कर करोड़ों कमा सकें। अगर जान जाने की ही नौबत आ जाए तो ऐसी राजनीति किस काम की? हमें कुर्सी की जरूरत नहीं बल्कि जिंदा रहना जरूरी है। मैं इस चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा। पागलों की तरह बात मत करो, मरहूम देवराज की 3 पत्नियां हैं, लोगों को डरा धमका के काफी जायदाद बनाई है उसने। मोहल्ले में जितनी पंचायतें होती थी सबका निर्णय वही लेता था। जाति दुश्मनी की वजह से भी किसी ने उसको टपका दिया हो? हाँ जी, मैंने भी गलती पे गलती किया है तो मैं भी मर जाऊंगा क्या? अरे इस तरह मौत से क्यों डर रहे हो तुम लोग? डर था तो तुम लोग क्यों आए राजनीति में?
मैं भी तो हूँ, मैं कहाँ डर रहा हूँ। आपको डर नहीं है, आप क्षेत्र में गए वगैरह ही जीत जाएंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हम गली गली घूम कर लोगों से वोट की भीख मांग कर ही जीत पाएंगे। कहीं झुकते वक्त मार दिया तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं होऊंगा। इस बार ये सीट किसी दूसरे को दे दीजिए, आप अपने दिल में जगह दे दीजिए, यही काफी है। अरे ये क्या साहब, सब लोग बोल रहे हो, चुप करके बैठे हुए हैं। उम्मीदवार जान के डर से अपने चुनाव क्षेत्र से भाग रहे हैं। एक और मुख्य समाचार, अभी अभी खबर मिली है कि कई क्षेत्रों से उम्मीदवार अपने नाम वापस ले लिए हैं और इस प्रकार नामांकन वापस लेने वालों की संख्या 200 हो गई है। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई है, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया। नाम वापस लेने के बाद आप किसी और को खड़ा कर देंगे? हमारी पार्टी छोटी है, कुल मिलाकर 12 ही उम्मीदवार हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भला? चुनाव को टाल देंगे तो समस्या का भी समाधान हो जाएगा। चुनाव को टाल नहीं सकते तो केंद्रीय सरकार से बात करो, उनको कुछ करने के लिए बोलो। अजी इलेक्शन कराने वाली सरकार नहीं होती, इलेक्शन कमीशन होता है। ये कोर्ट की तरह अलग विभाग है, इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती। ठीक है, कुछ ना कुछ करके चुनाव को टाल क्यों नहीं देते? तुम लोग आपस में खिचड़ी पकाओगे, कुछ करोगे भी? इसमें बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी का क्या झगड़ा है? हर पार्टी की अपनी अहमियत है। हम सबको एकजुट होकर एक निर्णय लेना होगा, उसके बारे में सोचो। आजकल हर स्टेट में पानी की बहुत बड़ी समस्या है रत्नाकर, आज तक किसी भी मंत्री ने इस पर आवाज नहीं उठाई है। अब जब खून पे खून होने लगा तब सबकी हवा निकल गई है। अब मंत्री बाहर आके नारे लगा रहे हैं, मौत के डर से लगा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। लेक्सिकन कॉलेज ने ये ओपिनियन पोल क्यों रखा? बिरला सर, गेट मी शंभूलाल्स फाइल। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ दो, थैंक्स। पहली बार ऐसा हुआ कि कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए, जिसके कारण सभी दलों के ऑफिस अभी भी बंद है। उम्मीदवार डर कर अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं और राज्य की पुलिस कातिल को पकड़ने में नाकाम है। और अंत में मीडिया वाले और अखबार वाले इस समस्या का समाधान के लिए चुनाव कमिश्नर से जाकर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कुल उम्मीदवार 1185 हैं और उनमें से 185 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 610 ने नामांकन वापस ले लिए। तो अब क्या करने का विचार है? बस चुनाव टाल दिया जाए। इसके पहले भी बिहार और यूपी में एक बार कानून और व्यवस्था बिगड़ने के कारण चुनाव टाल दिया था सर। बेशक आज तक जो भी गलती हुई है पुलिस की वजह से हुई है, लेकिन चुनाव के समय कुछ हुआ तो हम माने जाएंगे। मुख्य समाचार, विधानसभा के उपचुनाव की तारीख मुलतवी कर दी गई है। चुनाव में होने वाली हत्याओं को देखते हुए लगभग 700 से भी अधिक प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। कानून व्यवस्था के बिगड़ने के कारण चुनाव को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। और वो अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया। पुलिस को सब पता है, जानबूझकर उसे भगा दिया है। आपकी बातें मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा है। एनीवे यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। कहीं दूर जा रही हैं क्या? हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एमए एंट्रेंस है, वहाँ जा रही हूँ। अरे बहुत पढ़ाई कर ली, अब आगे क्या पढ़ने जा रही हो? क्या कहा? अरे कुछ नहीं, वो जरा फोन बज रहा है ना। हेलो सर, पुलिस ने आपके और सत्य प्रसाद के ठिकाने को ढूंढ लिया है। उन्हें पता चल गया कि इन सब के पीछे आप दोनों का ही हाथ है। वो
कभी भी आपको गिरफ्तार करने आ सकते हैं सर। सावधान रहिए सर। और सत्य प्रसाद को भी खबर कर दीजिए सर, फिलहाल किसी वारदात को अंजाम मत दीजिए। अनुराधा। क्या है पापा? तुम हैदराबाद अकेले नहीं जाओगी, सत्य प्रसाद भी तुम्हारे साथ जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों तुम नहीं जानते? क्या जानने के लिए कह रही हो? सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हो ना, तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। छोटी सी बात पर चिल्लाती हूँ मैं, और सीरियस बात पर भी तुम मुस्कुराते हो। अगर कोई कानून का उल्लंघन करे तो मैं परेशान होती हूँ, लेकिन तुम हर बात को आसानी से लेते हो। क्यों कलेक्टर साहब, कैसे हैं? सिर्फ कलेक्टर मत बोलिए, 16 साल की सर्विस में 23 बार ट्रांसफर होने वाला कलेक्टर बोली मुझे। जानता हूँ मैं साहब, जानता हूँ। 23 बार आपका ट्रांसफर हुआ है, 2 साल सस्पेंड भी रहे हैं, जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, आपके मन ने गंवारा नहीं किया और सर्विस छोड़ दिया आपने। उसके बाद 10 साल तक आप प्रोफेसर बने रहे, 5 साल पहले ही VRS लेकर अपने ही गाँव में आकर सेटल हो गए। आपका स्टूडेंट सत्य प्रसाद, जिसने अलग अलग जगह पर जाकर राजनेताओं का खून किया, उसको आपने घर में रहने की जगह दी, ये सब मैं जानता हूँ। मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम खुद जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बावजूद तुम ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए तुम मुझे बहुत भा गए हो। ठीक है, अभी जो कुछ कहा वो गलत निकला तो तब भी मुझे चाहोगी? IAS ऑफिसर के बाद आप प्रोफेसर भी रह चुके हैं, इसके बावजूद आपने खूनी को घर में पनाह दी, क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? नो, नॉट एट ऑल। 24 साल के एक युवक को खूनी बनाने वाले उस समाज को शर्म आनी चाहिए, और उन पॉलिटिशियंस को शर्म आनी चाहिए जिनकी वजह से वो खूनी बना। आज उसके भाई से इस इलेक्शन को रोकने वाली सरकार को शर्म आनी चाहिए, और उसे पकड़ने में नाकाम पुलिस यानी आपको शर्म आनी चाहिए, न कि मुझे। मैं फक्र महसूस कर रहा हूं मेरे उन सभी स्टूडेंट्स में सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है जानते हैं आप? आपका वही खूनी सत्य प्रसाद। क्या बोल रहे हैं? मैं कौन, मैंने क्या किया और क्या करने वाला हूँ, इस बारे में जानती हो? हे, इसमें भी सत्य ही फर्स्ट आया है। Yeah!
कॉलेज में खुशियों की बेला है, मस्ती का मौजों का मेला है, मेहनत से पढ़ के पास होकर पाई सबने खुशी, कॉलेज में खुशियों की बेला है, सबके चेहरों पर छाई देखो कैसी रौनके, आने से रिजल्ट पाई सपने चैन की सांस, कॉलेज में खुशियों की बेला है, मस्ती का मौजों का मेला है। हे हमारे साथ दारू पीते हो, साथ में पिक्चर भी देखते हो और मौज मस्ती भी करते हो, लेकिन परीक्षा के समय हम सबको पीछे छोड़कर तुम फर्स्ट आ जाते हो यार, भला कैसे यार। हे तेरे पिताजी क्या करते हैं? इंजीनियर हैं। तेरे पिताजी डॉक्टर हैं। तेरी माँ बैंक मैनेजर है। तेरे पिताजी म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं। मेरे पिताजी क्या करते हैं जानते हो ना? तुम तुम्हारे खानदान की दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी पढ़ने के लिए आए हो, लेकिन मेरे खानदान में पढ़ने वाला पहला शख्स मैं ही हूँ। पढ़ने में जो मजा आता है मैं जानता हूँ। पढ़ने लिखने की मेरी इच्छा है, पढ़ाई में फर्स्ट आना ये मेरे पिताजी की इच्छा है। ये क्या, आज भी तुम लेट आए? सो गया भैया। चलो बेटा चलता हूँ, कल नाइट ड्यूटी है, सुबह मत आ जाना। अरे गेट तो बंद कर। अब तो हम सब घर में अपने खाना खाएंगे जी भर, खेलेंगे हम दोस्तों के संग अपने मन भर, मौज मस्ती संगी साथी सब मनाएंगे, घूमेंगे हम सारे मिलकर पूरे शहर भर, आज हम करेंगे जी जो भी दिल में आए, आंखें चार करने से हम क्यों करें, टेनिस खेलेंगे हम चौका मारेंगे, दीवारों पर चढ़कर गप्पे मारेंगे, सबके चेहरों पर छाई देखो कैसी रौनके, आने से रिजल्ट पाई सपने चैन की सांस, कॉलेज में खुशियों की मेला है, मस्ती का मौजों का मेला है। एक दिन में कितनी सिगरेट पीता है यार? कॉलेज में हूँ तो 4 पैकेट, अगर घर में हूँ तो 6 पैकेट। देख लिया? हे रघु सर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर। उठाओ। सर लेकिन उठाओ। इस सिगरेट की कीमत क्या है जानते हो? कीमत क्या है? 5 रुपए सर। 5 रुपए में खरीद कर मुझे देखते ही इसे फेंक दिए? व्हाई? प्रोफेसर की इज्जत कर रहे हो तुम? तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत होती तो इस कॉलेज कैंपस के अंदर कभी सिगरेट नहीं पीते तुम। कभी अपनी गलती को छुपाने का प्रयास मत करना, ओके? स्मोक, आई से स्मोक। लिसन, गलत हो या सही हिम्मत से कर, बी ब्लैक और व्हाइट, डोंट ट्राई टू बी ग्रेट, ओके सर। अपने प्रिंसिपल और टीचर जो सिखाएंगे, उनकी सुनकर बात दिल में हम बसाएंगे, छेड़खानी और मस्ती सब कितनी भी करें, बात जब होगी पढ़ाई की मन लगाएंगे, ये हमारा कॉलेज सरस्वती का मंदिर, तालमेल प्यार का बसता सब में, कॉलेज के ये दिन तो गोल्डन डेज है, इसका तो मजा ही एवरग्रीन है। ए, हमारी कॉलेज के पत्रिका में मेरी कविता आई है, जहाँ पिता परमेश्वर है वहाँ सब कुछ है। ए,
ये चर्च में बैठकर बोलने वाली कविता है। हे प्रभु, ये बेचारा अनजाने में बोल गया, इसे क्षमा कर देना। कविता सिर्फ तुम ही बोल सकते हो, हम भी बोल सकते हैं। आइटम गर्ल से शादी क्या कर ली, रोज तबला बजाना पड़ता है, ये कैसे लगी? साइलेंस। कॉलेज में पढ़ाई कैसे चल रही है मैं नहीं जानता, लेकिन प्यार ठीक से कर रहे हो? किस प्यार की बात कर रहे हैं? इस तरह लड़के लड़कियां चिपक कर बैठे मस्ती कर रहे हो, इसे प्यार नहीं तो और क्या कहूँ? हम लोग मिलजुल के बात कर रहे हैं, आप इसे प्यार कहते हैं, ये प्यार नहीं फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप कहती हो, ये तो अपनी गलती पर पर्दा डालने का एकमात्र कारण है। ओह गॉड, आप फ्रेंडशिप का मतलब नहीं जानते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे ब्लू फिल्म देखने की आदत जो पड़ गई है आप लोगों को। ये सुनते ही आपके भाव बदल गए? ऐसी भी कुछ बातें होती हैं जो हम अपने भाई बहनों से भी नहीं कह सकते, लेकिन फ्रेंड से कह सकते हैं ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। घर पे छोड़ने को तो कह सकते हैं ना, दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है, उसे प्यार का नाम देके छोटा मत करो। ओके 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 सर, बच्चे अपनी जगह सही हैं, आप एडवाइस के बहाने ने बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं, यू कैरी ऑन। कॉलेज में खुशियों की बेला है, मस्ती का मौजों का मेला है, मेहनत से पढ़ के पास होकर पाई सबने खुशी। कॉलेज में खुशियों की मेला है, सबके चेहरों पर छाई देखो कैसी रौनके, आने से रिजल्ट पाई सबने चैन की सांस। कॉलेज में हमारे कॉलेज के कैंपस इंटरव्यू में 135 स्टूडेंट्स नौकरी के लिए चुने गए हैं। पढ़ाई खत्म करके जाने वाले स्टूडेंट्स में 60% एक अच्छी नौकरी के साथ इस कॉलेज से बाहर जा रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, इस कॉलेज के लिए भी बड़ी गौरव की बात है। और इनके जूनियर्स इस 60% को 100% में बदल देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। नाउ अमंग द टॉपर्स आई कॉल अपॉन मिस्टर नरेश, सेकेंड ईयर एमएससी फिजिक्स, रिसीव द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द कंपनी मैनेजर। इस साल पढ़ाई खत्म होते ही इसी प्रकार तुम्हें भी कैंपस इंटरव्यू के जरिए एक नौकरी मिल जाएगी, लाखों रुपए कमाओगे, शादी करोगे, फाइव स्टार में कॉफी, पिज्जा टॉपिंग, मॉल में शॉपिंग, पीवीआर में फिल्म देखना, यही सारी खुशी करके फैसला कर लोगे तुम। तुम लोगों ने कभी आम जनता से या फिर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उन लोगों से कोई नाता रखे है क्या? वो किस लिए गुस्सा होते हैं, किस लिए दुखी होते हैं, किस लिए चिल्लाते हैं, तुमने कभी पता लगाया है? एटलीस्ट हैव यू थॉट अबाउट इट? ऑपरेशनल रिसर्च, उसमें फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम्स, बैंक काउंटर की क्यू में खड़े होने वाले के बारे में, एयरपोर्ट क्यू में खड़े होने वाले के बारे में हम कई बार पढ़े हैं, इजंट इट? 5 साल वो भी एक दिन रोड में, इलेक्शन क्यू में खड़े होने वाले के बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा है क्या? इस सेमेस्टर में आपके इंटरनल की परीक्षा नहीं है, क्विज नहीं है और ना ही कोई असाइनमेंट है, लेकिन उसके बदले हम सब मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। हमारे क्षेत्र में बाई इलेक्शन होने वाला है, उस बारे में ओपिनियन पोल कीजिए, आम जनता से अवश्य मिलिए, उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, क्या चाहते हैं, वो किस पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं, इसके जरिए हम इस क्षेत्र में कौन जीतने वाला है इसका मुआयना करेंगे। दिस विल बी द प्रोजेक्ट। सत्तारूढ़ी पार्टी और विपक्ष की पार्टी मध्य जनशक्ति पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सत्तारूढ़ी पार्टी की तरफ से के शंभुलाल और मध्य जनशक्ति पार्टी की तरफ से पी वेलुस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं। पहला हार गया तो दूसरा कमाएगा और दूसरा हार गया तो पहला वाला कमाएगा, हम तो वैसे ही रहेंगे। दीजिए। शंभूलाल चुनाव में 50 लाख खर्चा कर रहे हैं, जीतेंगे तो 50 लाख कमाने की कोशिश करेंगे या हमारी सेवा करने की कोशिश करेंगे, बताइए। मैं भी सत्तारूढ़ी पार्टी का ही हूँ और मंडल का कार्यकर्ता भी हूँ, ताज्जुब की बात यह है कि पार्टी का मेंबर भी नहीं है शंभूलाल और इसको उम्मीदवार बना दिया। और अगर मैंने विरोध किया तो मुझे पार्टी से धक्के मार के निकाल देंगे, किस्मत ही खोटी है अपनी। बेटे,
हर क्षेत्र में कोई ना कोई उम्मीदवार जीतता है, लेकिन जनता की तो हमेशा हार ही होती है। बाहर में गया है चुनाव। मैं हमेशा चाबी चिन्ह को ही वोट देता हूँ। इस बार चाबी चिन्ह को वोट नहीं दूंगा। केंद्रीय मंत्री की सिफारिश से शंभूलाल चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता होने पर भी हमारी कोई इज्जत नहीं है। इस क्षेत्र में सदा हमारी पार्टी की जीत होती रही है, लेकिन इस बार दावे के साथ नहीं कह सकता। कलेक्टर की नौकरी छोड़ के प्रोफेसर बन के आए, हमें ताज्जुब होता है। आप छात्रों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट वर्क, ओपिनियन पोल, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। सब लोग पेड़ काट के मूर्ति बनाना चाहते हैं, लेकिन महज एक लकड़हारा बन के रह जाते हैं। और मेरी पॉलिसी कुछ और है। मैं बांस काट के बांसुरी बनाने की सोच रहा हूँ, और बांस से बांसुरी बनाने में मैं कामयाब हो जाऊंगा। सर, क्या प्रेस मीटिंग के लिए सब आ गए? चले चलते हैं। आप सबका स्वागत है। अभी जो बाय इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बारे में हमारे कॉलेज की तरफ से हमने ओपिनियन पोल निकाला है, और ये ओपिनियन पोल कॉलेज तक ही सीमित न रहे, इसलिए जनता तक पहुंचाने के लिए हमने आप सबको बुलाया है। अब इस ओपिनियन पोल का आंकड़ा हमारे प्रोफेसर रघु जी अपने हाथों से कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को सौंपने वाले हैं। सतीश, थैंक्स। सबको दे दो। कांग्रेचुलेशन सर। ये जो ओपिनियन पोल है, उसे लोगों की राय जानने के लिए ही हमने लिए हैं, और हर जाति की लोगों की राय है इसमें। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सत्तारूढ़ी पार्टी से विपक्ष की पार्टी यानी मध्य जनशक्ति पार्टी की ही जीत होगी, वो भी 20% वोटों से ज्यादा। मध्य जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार और मेरे छोटे भाई श्री बलवंत शर्मा जी को इस इलेक्शन में जिताने के लिए मैं मतदाताओं का अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये कोई साधारण जीत नहीं है, ये महाजीत है। अगर सत्तारूढ़ी पार्टी को थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें क्या करना चाहिए? तुरंत हार को मानकर इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव का इंतजार करना चाहिए। क्या चुनाव लड़ने के लिए वो लोग तैयार हैं? और एक साल यानी अगले चुनाव तक हमारी इस हार का मुद्दा बनाकर राजनीति करेंगे? सदा पूछते रहेंगे इस्तीफा देने को तैयार हो, इस्तीफा देने को तैयार हो। सत्तारूढ़ी पार्टी होने के बावजूद इस बाई इलेक्शन में हमारी हार कैसे हुई? इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, और खुफिया विभाग ने भी हमारी ही जीत होगी ऐसी रिपोर्ट भी दी थी। कहां पर गलती हुई और कैसे गलती हुई? दरअसल चुनाव के एक हफ्ते पहले दी गई रिपोर्ट है सर, लेकिन चुनाव के 3 दिन पहले लेक्सिकन कॉलेज स्टूडेंट्स ओपिनियन पोल को पब्लिश कर दिए, और वो खबर सारे अखबार में छप गई। लेक्सिकन कॉलेज के ओपिनियन पोल की वजह से ही हमारी हार हुई है, वरना हम जीत जाते सर। राजनीति के अखाड़े में छक्कों की नहीं बल्कि मर्दों की जरूरत होती है। खैर, हमारी पार्टी वाले भी कॉलेज चलाते हैं, और मैं भी 4 कॉलेज चलाता हूँ। तुम्हें क्या करना था? हमारे आदमियों के द्वारा जनता की राय लेनी चाहिए थी, और उसे पेपर में छापकर हमारी पार्टी की जीत होगी ऐसा एहसास जनता को दिलाकर इलेक्शन में जीतना था। अगर तुमने ऐसा किया होता तो तुम ही सही नेता और सही मर्द होते। ये सब छोड़कर ख्याली पुलाव बना रहे हो, शर्म नहीं आती? भैया, प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? आप कौन है? क्या बात है? क्या बात है? कॉलेज खरीदने जा रहे हैं, तेरे को कोई इतराज है साले? देखिए, कॉलेज के अंदर आकर लफड़ा मत कीजिए, सब लोग बाहर जाइए। अब गुस्सा आ रहा है ना? 8 करोड़ देकर एमएलए के लिए खड़ा हुआ था,
जब MLA बनने वाला ही था तो तुम लोगों ने ओपिनियन पोल रख के मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। क्या जरूरत थी ओपिनियन पोल के? जनता तो वोट डालने के लिए आएंगे ही, लेकिन तुमसे कितने का ओपिनियन पोल रखने के लिए? और ये लौंडे कल शादी करने के बाद घर बसाने वाली है, उससे पहले ओपिनियन स्वागत मैं इनके साथ मनाना चाहता हूँ। अरे उसके बाद शादी करके भेजो ना। ए, तमीज से बात कर। अरे तेरी जात क्या भाई। शांति 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 रखो शांति। सर कानून के खिलाफ हमने कुछ नहीं किया, कानूनन आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन अभी मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। शमशेर सिंह से शंभूलाल तो मैं बन गया, फिर से शमशेर सिंह बनने के लिए आप उनको मजबूर मत करना पड़ा हो। चलना। क्यों सत्या, तुम्हारे साथी को मार के जा रहा है और तुम चुप खड़े हो? लाना था तुम पर, उसको जाने क्यों दिया? मारना था मिलकर। मनमोह जी तुम चुप रहो। स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू गो टू क्लासेस। ये क्या सर, हिंदी भाषी के साथ हिंदी बोलते हो, अंग्रेजी भाषी के साथ अंग्रेजी बोलते हो, वो जो मारपीट करके चले गए उनके साथ मारपीट की भाषा नहीं बोल सकते? आंखों के सामने अन्याय हो रहा है और हम तमाशा देखते रहे? क्या हमारा खून इतना ठंडा हो गया है? बेवकूफ नालायक, कॉलेज के छात्रों को मार कर आया है। अगर वो सब मिलकर तुझे पीट देते तो तेरा क्या होता? क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी? गनीमत है कि तू जिंदा बच के आ गया। नहीं साहब, मैंने जो सपना देखा वो बिखर गया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। शमशेर सिंह, अगर अच्छा पॉलिटिशियन बनना है तो जो दिल कहता है वो मत सुनो, जो दिमाग कहता है वो सुनो। कल सुबह उसी कॉलेज में होने वाले कन्वोकेशन फंक्शन में मैं चीफ गेस्ट हूँ। थैंक यू सर। फंक्शन के समाप्त होते ही हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर। थैंक यू सर। और वो काम तुम करोगे। अब हमें आज्ञा दे, हमने किया है ये पता ना चले। तुम आ जाओ, हमें जाना, तुम लोग मेरे साथ आओ। सर, क्या बात है? खबर मिली है कि आपके कॉलेज में ड्रग्स? ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह। अलग हटिया, हमें हमारा काम करने दीजिए। वेट, इस कॉलेज का मतलब घुसने की हिम्मत कैसे हो? बताया हमें, पुलिस कॉलेज में नहीं आनी चाहिए, यहाँ तो पढ़ाई होती है ना, तो डर किस बात का है? Thank you.
जल्दी चलो, अंदर जाओ अंदर जाओ। हाथ दो, जल्दी भागो। दरवाजा बंद करो। मोहरा बनाने के लिए यही मुद्दा काफी है। आने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ी पार्टी की नींद हराम कर देंगे हम लोग। बिल्कुल सही। सुनो, अगर हम सत्ता में होते और बाई इलेक्शन आता और कोई कॉलेज अपने ओपिनियन पोल में हमारी हार होने की बात करते तो हम क्या करते? हम भी ऐसा ही सलूक इनके साथ करते ना। हमारे राज्य की जनता हम दो पार्टी के अलावा तीसरी पार्टी को नहीं जानती है और हम दोनों ही बार बार सत्ता में विपक्ष में बैठते हैं। झगड़ा हो या समाधान हो, वो हम दोनों के बीच में ही होना चाहिए। हमारे अलावा मीडिया को या कॉलेज को इसमें आने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी किस्मत अच्छी है कि विपक्षी दल अब तक खामोश है, लेकिन स्टूडेंट्स खामोश नहीं रहेंगे। इससे पहले कि ये बात दूसरी कॉलेजों में पहुँचे, हमें कुछ करना होगा। ये कैसे मुमकिन है? कॉलेज में पुलिस का जाना वर्जित है और साहब जी ने गोलियां भी चलाई, उसके बाद ही हालत और बिगड़ गई। अब स्टूडेंट खामोश भी रहे तो भी अखबार और मीडिया वाले खामोश नहीं रहेंगे। शहर में ढिंडोरा पीटेंगे और हम बदनाम होंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। उसी से गुनाह कबूल करवा लूं तो? नहीं समझे? वो एक दुर्घटना है, अगर ये उसी कॉलेज के प्रिंसिपल से बुलवा दिया तो समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। प्रिंसिपल भला कैसे बोलेगा? बुलवाना होगा। प्रिंसिपल को डराओ या फिर धमकाओ, चाहे कुछ भी करो, उन्हीं की लापरवाही से ही इस प्रकार की दुर्घटना हुई है। प्रिंसिपल बोलेगा ऐसा बुलवाना होगा। ये हादसा अचानक हो गया है। कॉलेज कैंटीन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हो गया। इसके लिए मैं इस कॉलेज की व्यवस्था को ही दोषी समझता हूँ। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। यह हादसा है, खून है, प्लान किया हुआ खून है। इन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए सर। जीत गए हैं ऐसा सोच रहे हैं ना, इन्हें हराना होगा। इसका एक ही रास्ता है, उनका खून करना होगा। ठीक है, उन्हें मारने के बाद क्या होगा जानते हो तुम? उसके बदले कोई दूसरा मंत्री या एमएलए आ जाएगा और इस कॉलेज को क्लोज कर देगा। बाकी स्टूडेंट्स की जिंदगी सड़क पर आ जाएगी, यही होगा। उसके लिए क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए? खून करेंगे, जरूर खून करेंगे, लेकिन अभी नहीं। रूलिंग और ऑपोजिशन के अलावा यहाँ 110 ऐसी पार्टियां हैं, सबके सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। होश में आकर जोश खोना मत, तुम समझ गए ना? तुम्हारे अंदर सोए हुए उस जुनून को तुरंत मत जगाओ, उसे सोने दो अभी। जमीन से जल्द आने वाले को कोयला कहते हैं और देर से आने वाले को हीरा हीरा कहते हैं।
तुम्हें दिखाना होगा कि हीरा कैसे काटता है। फिलहाल जो खून हुए हैं, यदि वो तब हुआ होता तो कफन के बदले उस नेता के शरीर में राष्ट्रीय ध्वज होता और राजनीतिक दल उसे मसीहा के नाम से पुकारते और राष्ट्रीय सलामी देखकर उस हादसे को भूल जाते। लेकिन अभी चुनाव का समय है, इसलिए सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है, हवाइयां, और सब डरे हुए हैं और जाल बिछाकर खूनी को तलाश रहे हैं। सर, इनके बेटी और सत्य प्रसाद हैदराबाद जा रहे हैं, हमें खबर मिली है। ट्रेन इस वक्त कौन से स्टेशन पर, ट्रेस आउट करो, फोर्स लेकर जाओ, वहीं पकड़ लो। ओके सर। हाँ। अरे देखो दादी, प्रोफेसर साहब ने लोकगीत सुनने के बहाने कई लोगों को हमेशा के लिए टपका दिया। हाँ चिल्ला के मत बोल, तुझे भी पकड़ के ले जाएंगे। हेलो सर, सत्य प्रसाद यहाँ नहीं आया मगर लड़की मिल गई, फिलहाल वो मेरी कस्टडी में है। नासिक में जिस उम्मीदवार का खून हुआ देवराज, वो एक चुनाव भी नहीं हारा। पूरे 3 सालों से वो MLA रह चुका है और जिस उम्मीदवार का ट्रेन में खून हुआ वो 2 बार MLA रह चुका है, 1 बार वो हार चुका है। तो ये राजनेता जिनका खून हुआ है किसी न किसी पदवी पर रह चुके हैं। लेकिन पुणे में जिस उम्मीदवार का खून हुआ शंभूलाल, उसे अभी तक कोई पदवी प्राप्त नहीं हुई, केवल 1 बार चुनाव में खड़ा हुआ और हार भी गया। शंभूलाल जिसके पास कोई पदवी नहीं, उसका क्यों खून किया गया, इस बात ने हमें चौंका दिया। इसकी जब इंक्वायरी की गई तो ये पता चला कि लेक्सिंगन कॉलेज में ओपिनियन पोल रखा गया, इसके कारण जो वहाँ दंगा हुआ उसमें 40 लोग जल के मरे, ये हमारी जानकारी में आया। लेक्सिंगन कॉलेज में हमेशा अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी कैंपस इंटरव्यू में नौकरी पाकर चले जाते हैं, लेकिन उसी साल पढ़ाई खत्म करने वाला बेस्ट स्टूडेंट सत्य प्रसाद किसी भी नौकरी पर नहीं गया। इस बात ने हमारे अंदर शक पैदा किया। ठीक वैसे ही कलेक्टर की नौकरी रिजाइन करके प्रोफेसर का काम करने वाले मिस्टर रघु, उन्होंने अचानक VRS लिया, ये बात भी हजम नहीं हुई। ये जो सारे संदेह थे इन्हें एक बिंदु पर लाकर रखा, तो सब क्लियर हो गया। सर, प्रोफेसर रघु को पकड़ा, सत्य प्रसाद तो बच गया ना। सत्य प्रसाद को हिरासत में लेने के बाद ही मैं इस शहर से जाऊंगा। ओके, प्रोफेसर रघु को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक रिटायर प्रोफेसर होकर आपने ऐसा क्यों किया? अरे साहब, आप जाइए। इनके पीछे क्या कारण है बता सकते? चुनाव को टालने के लिए आपने ऐसा किया? जो कुछ भी हुआ आप जानते थे, इसके बारे में पुलिस को बता सकते थे, लेकिन सब कुछ जानते हुए चुप रही, गलत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। रोज तुम्हारी आंखों के सामने गलती होती है और तुम देखकर भी अनजान बन गए। उसी प्रकार मेरी आंखों के सामने अच्छी घटना घटी, मैं चुप रहा, दैट्स ऑल। अगर तुम गलत नहीं हो तो मैं भी गलत नहीं। सर, ये सिलसिला जारी रहेगा? सत्य प्रसाद ने जो खून किया उनका भले ही पर्सनल मोटिव ना हो, लेकिन उसकी पर्सनल लिस्ट में जो नाम है उसमें गृह मंत्री का भी नाम है। उनकी सिक्योरिटी और भी टाइट कर दो, नेक्स्ट 1 वीक तक उनके जो भी प्रोग्राम से वो जान लो। यस सर। हेलो। हेलो, मंत्री महोदय हैं क्या? नहीं, वो बाहर गए हैं। ओके मैडम।
गुड मॉर्निंग रिसेप्शन। मंत्री जी हैं? मंत्री जी रूम में नहीं है। कहां गए होंगे? किसी उत्सव में गए हैं। ओके मैडम, थैंक यू। सर, मंत्री जी रूम में नहीं है, वो महोत्सव में गए हैं। यस 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 यस, सत्य प्रसाद वहां जरूर आएगा। मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ। रामचरण इसी रास्ते से आ रहा है, उसके साथ उसकी पार्टी के 7-8 आदमी और हैं। सत्या? हाँ सतीश। मूर्ति आने में आधा घंटा लगेगा, मंत्री अभी तक आए नहीं है, उन्हीं की राह देख रहे हैं। इतने कैमरे काफी नहीं है, एक्स्ट्रा कैमरास लगवाओ। यस सर। टेम्परेरी मॉनिटर रूम का इंतजाम करो। ओके सर। डू इट इमीडिएटली। यस सर। ओके। हेलो हेलो हेलो, मिनिस्टर का पिए ना। हेलो 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 हेलो, माइक 21 कमिंग। ओवर। माइक 21। ओवर। मिनिस्टर के साथ ही है ना? नहीं सर, ओवर। फौरन मिनिस्टर के पास जाइए, उनके साथ में ही रहिए। ओके सर। सत्या, पुलिस को तुम्हारी भनक लग गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मंत्री को अंदर जाने से मैंने रोका मगर वो चले गए। मंत्री जी मंडप की ओर जा रहे हैं, कहीं तुम फंस गए तो? तुम डरो नहीं, अगर फंसना होता तो जिस दिन 40 लोग जल के मरे उसी दिन फंस गया होता और ये जुनून मर गया होता। आज उसका मरना बिल्कुल निश्चित है। एवरीथिंग इज ओके? ओके सर। कैमरा 6 को थोड़ा क्लोज जाने के लिए कहो। कैमरा 6 थोड़ा क्लोज जाओ। कैमरा 2 को थोड़ा राइट में पैन कराओ। कैमरा 2 जरा राइट में पैन हो जाओ। सत्य के साथ चला गया, ढूंढने के लिए कहो। ऑरेंज शर्ट क्विक। वो नहीं है सर। शिट। सर
ये सत्य प्रसाद ही है, वो वही है, मंडप के अंदर ही है वो। मूव मूव फास्ट। रास्ता छोड़ो। मैं कौन हूं ये तुम जानते हो? ये इन्हें भी तो पता चले। मैं हूं सत्य प्रसाद, कई राजनेताओं को मारने वाला सत्य प्रसाद, चुनाव को रुकवाने वाला सत्य प्रसाद, आप ही की तरह नेताओं का विश्वास खोने वाला सत्य प्रसाद, इन राजनेताओं के द्वारा 40 लोगों को जलाकर मारते हुए देखने वाला सत्य प्रसाद। हमें आजाद हुए 63 साल हो गए। इन 63 सालों में हरेक की योग्यता बढ़ी है। सन 1947 में 4 दवा का नाम जानने वाला डॉक्टर बनता था, 77 में MBBS पढ़ने वाला डॉक्टर बनता था, पर अब MS पढ़ने वाले को ही डॉक्टर समझा जाता है। सन 1947 में इंटर पास बैंक का मैनेजर बन जाता था, 77 में BCOM पास बैंक का मैनेजर बन जाता था, पर अब MBA की डिग्री मांगते हैं। पहले लिखने पढ़ने वाला मास्टर बन जाता था, बाद में 8वीं पास को मास्टर बनाते थे, पर अब MSc MPhil पढ़ने के बाद मैट्रिकुलेशन में 1000 रुपए की नौकरी पाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक ऑफिसर, टीचर, कलेक्टर, इन सब के लिए जो योग्यता है आज वो बढ़ गई है। लेकिन आज MLA बनने की योग्यता क्या है? 21 साल का होना काफी है। क्या 21 साल का होना काफी है? क्या किसी को भी MLA बना सकते हैं? जानवर भी 21 साल के हो जाते हैं। क्या इलेक्शन में उन्हें भी खड़ा कर दें? कुछ तो योग्यता चाहिए ना, उसके लिए पढ़ाई की योग्यता चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। भ्रष्टाचार करने वाले, अपने अधिकार का दुरुपयोग करने वाले लोग भी पढ़े लिखे होते हैं और वही राजनीति में आते भी हैं। ठीक है, अगर कोई अनपढ़ राजनीति में आता भी है तो वो अनपढ़ है, ऐसा ही सब लोग बोलते रहते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। ठीक है, इसी राजनीति में ऐसे इंसान भी खड़े होते हैं जो आज भी कुंवारे हैं। ठीक है, शादी की बात जब आती है तो हम तो हमारे दो की बात करते हैं। एक बात बताइए, हर घर से एक इंसान सेना में भर्ती होना चाहिए। जिस घर से इंसान सेना में गया हो वही घर चुनाव लड़ सकता है, ऐसा माने तो। जिंदगी में हर क्षेत्र में एक एक सीढ़ी चढ़कर ही उन्नति प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही पंचायत का चुनाव 2 बार जीतने पर ही MLA बन सकता है। 2 बार MLA बनने वाला ही मंत्री बन सकता है। 2 बार मंत्री बनने वाला ही मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसा माने तो। बाकी सारी बातें मानने में ही रह जाती हैं, लेकिन इसकी कोई मान्यता ही नहीं है, ऐसा क्यों? आधे से ज्यादा लोग वोट क्यों नहीं डालते हैं? चुनाव लड़ने वाले ठीक नहीं है ये मानकर ही वोट नहीं डालते हैं ना। सबसे पहले वोट डालना कंपलसरी करना होगा। 10 चुनाव चिन्ह अगर सही नहीं है तो 11वां चुनाव चिन्ह होना चाहिए, वो भी अशोक चिन्ह, उसके ऊपर मोहर लगाएं। अगर अशोक चिन्ह को ज्यादा वोट मिलते हैं तो जिला कलेक्टर को MLA घोषित करो, तब पता चल जाएगा कि कितने लोगों में योग्यताएं हैं। हम हमारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए ही बड़ा करते हैं, उनके दिमाग में MP MLA की बात डालकर उन्हें बड़ा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि राजनीति एक कीचड़ से भरी दलदल है, ये हम सब लोग जानते हैं, और इसे रोकने की मैंने ठानी, इसीलिए मैंने खून किए। जुर्म करने पर मौत का डर पैदा होना चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा किया। हमारी सृष्टि की ब्रह्मा ने, इंडिया में उनके 2 ही मंदिर हैं, हमारी रक्षा करने वाले विष्णु के 20 मंदिर हैं, लेकिन विनाशकारी शिव के हर गली में नुक्कड़ में मंदिर हैं। हम क्या उन्हें प्यार से पूछते हैं? विनाश न कर दे इसी डर से पूछते हैं, और यही डर मैंने पैदा किया, कहीं मारा ना जाओ इसी डर से। कोई चुनाव में खड़ा नहीं हुआ और चुनाव डाल दिया गया। कम से कम अब तो सोचो कि क्या करना चाहिए। इसी योग्यता को अमल में लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ तो योग्यता होनी चाहिए, यही मेरा कहना है, यही आम जनता से निवेदन है।